तैयारी पनीर बनाने की। आज बनाते हैं कढ़ाई पनीर। यहाँ आंगन में रात है, अंधेरा आ रहा है। ये काटते हैं टमाटर सिल पे और पीस लेते हैं। किड़वा हो गया रे का भाया। टमाटर हुआ भी खराब निकल गया। टमाटर लिया अरुण। कैमरामैन तो रेड टॉर्च लगा के फोकस करो, हमको देख के जाओ ना। क्या माय कैमरामैन फोकस कीजिए, कढ़ाई पनीर बना रही हूँ। कैमरामैन फोकस कीजिए, मैं सिल पे मसाला पीस रही हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस कीजिए। सिस्टम पे सिस्टम हाले का खीरा। हम पीस लेते हैं। देखो हमने कितने टमाटर काट के रखे हैं, ज्यादा हो गया लगा, बहुत ज्यादा। और ये देखो प्याज भी पीस लिए। अब ये टमाटर पीस लेते हैं। तब तक काट दे दो। पहला नहीं तो ये हमारा बन रहा है कढ़ाई पनीर। आ जाइए भाई। कढ़ाई पनीर का मतलब है कढ़ाई में डाल के बनाओ पनीर। ओ मेरे प्यार, देखिए कितना अच्छा मसाला पक गया है भाई पनीर का। अभी इसको एक दो मिनट पकने देते हैं। ये देखो मैंने तो इतने छोटे छोटे इनको टुकड़े किए हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े में मसाला अच्छे से जाता है इसके अंदर, इसलिए। कपड़ा लिया उठा के, कपड़ा लिया। और तुझे प्यार करना सिखा दूं। चक्कू बंद क्यों कर रहे? चक्कू यू इधर है यार, उन कहाँ लेने गए? नीचे भी देख ले ऊपर, आंखें नीचे भी कर ले ऊपर। अरे अपना उसमें बेसन है तो ना, इसलिए हाँ ऐसी आ रही है। अभी जितना अंडा होगा तो मैं तो बीड़ी मारूंगा। भाई यार उनको तो अंडे जैसी खुशबू आ रही है। अंडे जैसी खुशबू नहीं, बदबू। बदबू बद प्लस बू। ये हमारा रेडी है मसाला। देखो कितना सुंदर है। और ये तैयार है हमारा पनीर। इसको दो मिनट ढक देते हैं, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा शाही पनीर। हमने डाल दिया इसमें धनिया पत्ता। और बताइए हमारा शाही पनीर कैसा है, तो जरूर ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आ जाइए फटाफट। तो अब बना लेते हैं रोटियां, क्योंकि ये तो तैयार है।
देखो।